नागपुर जिले के रामटेक पुलिस स्टेशन अंतर्गत चिचला और देवलापार पुलिस स्टेशन के मुकनापुर में दो अलग अलग स्थानों पर नहर और झील में डूबने की घटना सामने आई है। एक शव 5 घंटे के बाद और एक शव 22 घंटे के बाद बरामद हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामटेक थाना अंतर्गत चिचला निवासी लक्ष्मण मंगल सवाला के 42 वर्षीय सोमवार शाम करीब 4:30 बजे बकरियों के लिए चारा लाने गया था। चारा काटने के लिए पेड़ पर चढ़ते समय अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गए। नहर में पानी अधिक होने के कारण वह कुछ किलोमीटर तक बह गए। शाम होने के बाद भी वह जब वापस नहीं लौटे तो परिवारों के लोगों ने खोजबीन अभियान चलाते हुए चिचला नर्गदा रोड पर नहर के पास उनकी साइकिल और टपले देखी। खोजबीन के दौरान 1 से 1.5 किलोमीटर दूर लक्ष्मण मृत मिला। पूरी घटना की सूचना रामटेक पुलिस स्टेशन को दी गई है। उन्होंने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए उपजिला अस्पताल रामटेक के लिए ले गए हैं। आगे की जांच पुलिस कर रही है। देवरापार थाना क्षेत्र के मुखनापुर गांव निवासी श्रीराम भावने 60 वर्ष के थे। वह और उनके दो दोस्त बकरियां चराने जंगल क्षेत्र में गए थे और शाम करीब 5 बजे बाघ ने डरा दिया। बाघ के डर से सभी बकरियां बेचैन हो गई। तीनों ने अपनी बकरियों को इकट्ठा किया और घर ले गए, लेकिन श्रीराम भावने की एक बकरी झील की दूसरी तरफ रह गई। तो फिर दो दोस्त उसके साथ बकरियां लाने चले गए, लेकिन इस बार उन्होंने सड़क का रास्ता अपनाया। श्रीराम ने अपने सारे कपड़े उतार लिए और दूसरी तरफ से बकरी लाने के लिए झील की में उतर गया, लेकिन कुछ देर जाते ही वह डूबने लगा। उसके साथ मौजूद दोस्त चिल्लाने लगे और घटना की जानकारी परिजनों और देवरापार पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण तलाश रोक दी गई। हैरानी की बात यह है कि घटना की जानकारी SDRF और NDRF की टीम को देने के बावजूद भी 22 घंटे के बाद भी टीम पहुंच नहीं सकी। गांव के गोताखोरों की मदद से पुलिस शाम करीब 4:30 बजे शव बरामद करने में सफल रही। शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल देवलापार ले जाया गया है और आगे की जांच देवलापार पुलिस द्वारा की जा रही है।